फ्रेंड्स, मेरे हाथ में क्या है? मोर पंख। बात उन दिनों की है जब श्री राम भगवान सीता मैया के साथ वन में थे। सीता मैया ने बोला, मुझे प्यास लग रही है, तो उन्हें पानी ढूंढना पड़ा। वहाँ पे मिला उनको एक मोर। मोर मिला तो उन्होंने बोला, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? तो मयूर ने क्या बोला कि हे देव, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं अगर उड़ के जाऊँगा तो आप गुम हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके रास्ते में अपने एक एक मोर पंख फेंकता चला जाऊँगा, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े। अगर आपको फ्रेंड्स पता हो मयूर की खासियत क्या होती है, अगर वो अपने मौसम से पहले अपने पंख छोड़ता है तो उसकी डेथ हो जाती है। और वही हुआ उस मोर के साथ। उसने भगवान राम के लिए अपने पंख छोड़ दिए सीज़न से पहले, तो उसको वहाँ देह त्यागनी पड़ी। अब यहाँ भगवान राम ने उनको वचन दिया कि आपने मेरे लिए अपने पंख त्याग दिए, अपना जीवन छोड़ दिया, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने अगले जन्म में, अगले अवतार में आपको अपने शीश के ऊपर जगह दूंगा, और यहाँ मैं उतारूंगा अपना ऋण। तो ऐसा ऋण जो हमें कभी भी किसी से नहीं लेना चाहिए। आपके जीवन में अगर कोई भी हेल्प करता है तो डेफिनेटली आपको उसका कर्जा इसी जन्म में उतार देना चाहिए, ताकि आपको वो कार्मिक अकाउंट से मुक्ति मिले और आप उसके कर्जदार ना रहें। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू सो मच।